हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ ओल यानी सूरन की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, उतना ही ये खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बना है ये। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओल को अच्छे से छिल के कट कर लेंगे। पहले अच्छे से छील लेंगे, इसके छोटे छोटे पीस में हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको छोटे छोटे पीस में अच्छे से कट करके धुल लिया है। अब कुकर में हम डाल देंगे इसको, आधा नींबू निचोड़ के डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब ढक्कन को बंद कर देंगे। अब हम सीटी आने का वेट करेंगे, 3 से 4 सीटी लगाएंगे इसमें। जब तक सूरन हमारा बॉयल हो रहा है तब तक हम इसके लिए मसाले तैयार कर ले रहे हैं। तो हमने लहसुन लिया है, लाल मिर्च लिया है, प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं 4 से 5 सीटी में बहुत अच्छे से सूरन मेरा गल गया है। अब इसको हम छान लेते हैं, अलग बर्तन में रख लेते हैं। कढ़ाई को हमने रख दिया है गर्म करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, तेल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 सूखी हुई मिर्च। अब इसमें हम प्याज टमाटर ऐड कर देंगे। अब प्याज टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर मेरे बहुत अच्छे से भुना गए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हल्का सा नमक, क्योंकि पहले हमने सूरन को बॉयल करते हुए नमक डाला था। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच हम घर का पिसा हुआ मीट मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट मसाले को अच्छे से पहले भून लेते हैं, क्योंकि मसाले जितने अच्छे से भुनाए रहते हैं उतने ही सब्जी स्वादिष्ट बनती है। आप देख सकते हैं मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुना गए हैं। अब इसमें हम सब्जी को ऐड कर देंगे। सब्जी को ऐड करने के बाद अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी और हम ऐड करेंगे। अब सब्जी को हम ढक के पकाएंगे। लीजिए फ्रेंड, सब्जी हमारी रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है ये। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।